पूरा भारत 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि उन्हें जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया जा रहा, जिन्हें अब भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आड़े हाथों लिया है, जिन्होंने जमकर कांग्रेस की क्लास लगाई। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में उमा भारती ने कहा, राम जन्मभूमि आंदोलन को जहरीला करने वाले यही कांग्रेस और वाम दलों के नेता थे, इन्होंने ही कार सेवकों को परेशान किया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को खुश रखने की कोशिश के कारण 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचे का विध्वंस हुआ था। आज ये कह रहे हैं इन्हें निमंत्रण नहीं मिल रहा। अरे इन्हें तो बिना निमंत्रण के ही अयोध्या जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, सरयू में जाकर डुबकी लगाकर रामलला के सामने कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए, तब जाकर ये कुछ भी बोलने लायक होंगे। बीजेपी की तेज तर्रार नेता ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, दरअसल दिक्कत ये है कि कांग्रेस दुविधा में है। वो जानती है कि विरोध कर नहीं सकती और उसकी राम या राम राज्य में कोई आस्था नहीं है और उसे मुसलमानों की भी चिंता नहीं है, बल्कि वह केवल वोट चाहती है। पहले ये कहते थे कि राम काल्पनिक है, आज मंदिर का निमंत्रण ना मिलने का रोना रो रहे हैं। उन्होंने कहा, राम मंदिर आंदोलन में भाग लेने वाले कार सेवक शांत थे, लेकिन उन्हें बिना किसी चेतावनी के सिर और सीने में गोली दाग दी गई। उनका कोई कसूर नहीं था। मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया। अगर कांग्रेसी सही थे तो फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने इस तथ्य को अनदेखा क्यों किया और मुलायम सिंह यादव उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं चलाया? ये सब लोग सिर्फ सत्ता लोभी है। उमा भारती ने आगे कहा, जिस तरह अयोध्या राम की जन्मस्थली है, वैसे ही मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है और वहाँ भी भगवान कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए। पूरी उम्मीद है कि वो दिन भी जल्द ही आएगा जब रामलला की तरह कान्हा जी का मंदिर भी मथुरा में बनेगा। आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को निमंत्रण मिला है, जिसे लेकर दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी थी। साथ ही उन्हें निमंत्रण न मिलने पर बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा था। क्या कुछ कहा था जाते जाते वो भी सुनिए। मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग इसको मान, ये तो कोई किसी पार्टी का ट्रस्ट तो है नहीं, ये तो नेशनल स्टेट नेशनल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित, इसमें हमें जाने में क्या आपत्ति है। और सोनिया जी तो बहुत पॉजिटिव है इस मामले में, निमंत्रण मिला है या तो वो जाएंगी या डेलीगेशन हमारा जाएगा। आपको निमंत्रण मिला, आपने तो खुद चंदा भी दिया था उसको। देखिए मुझे क्यों नहीं देंगे, मुझे नहीं देंगे वो, क्योंकि जो सच्चे भक्त हैं, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, उनको निमंत्रण नहीं जाएगा।